हेलो व्यूअर्स, ये है वियोफ्लिक्स और आप देख रहे हैं कि अब तक मृणाल सेन ने किन किन टीवी सीरियल में काम किया है। मृणाल ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2008 से की थी। में डेब्यू किया 9X के शो कहानी हमारे महाभारत की में, जिसमें उन्होंने कृष्णा का सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। फिर 2009 से 2011 तक सपोर्टिंग लीड रोल प्ले किया इमेजिन टीवी के शो बंदनी में, जिसमें उन्होंने हितेन का किरदार निभाया था। फिर 2011 में लीड रोल प्ले किया इमेजिन टीवी के ही शो लुटेरी दुल्हन में, जिसमें उन्होंने अभिनव का किरदार निभाया था। फिर 2011 से 2012 तक काम किया जी टीवी के शो हिटलर दीदी में, जिसमें उन्होंने शमीर दीवान का किरदार निभाया था। फिर 2013 से 2015 तक लीड रोल किया कलर्स टीवी के शो उत्तरण में, जिसमें उन्होंने आकाश अविनाश चटर्जी का किरदार निभाया था। फिर 2014 में गेस्ट अपीयरेंस दिया कलर्स टीवी के शो झलक दिखला जा में। फिर 2014 से 2015 तक नजर आए बॉक्स क्रिकेट लीग में, जिसमें वो कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए थे। फिर 2015 में लीड रोल करते नजर आए जी टीवी के शो बंधन में, जिसमें उन्होंने राघव पाटिल का किरदार निभाया था। फिर 2016 में बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 2 में वो कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए थे। फिर 2016 से 2017 तक नेगेटिव रोल प्ले किया लाइफ ऑफ के शो नागार्जुन एक योद्धा में, जिसमें उन्होंने शंखचूर और रजबीर का किरदार निभाया था। फिर 2018 में नजर आया एन टीवी के शो लाल इश्क में, जिसमें उन्होंने हर्ष और सूरज का एक एपिसोडिक रोल प्ले किया था। फिर 2018 में नजर आए दिल ही तो है में, जिसमें उन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया था। तो ये थे अब तक के मृणाल सेन के टीवी सीरियल्स। इनमें से कौन सा आया आपको सबसे ज़्यादा पसंद, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी और भी ऐसे ही नए वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।